औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आज यहाँ पर जो है वो आ रहे हैं शहद उतारने वाले। सामने ये जो दरख्त नज़र आ रहा है ये बेर का दरख्त है जो कमाद के साथ है। इस पर बड़ी शहद का छत्ता है, हम उसे पहाड़ी माखी बोलते हैं। अभी तक वो आए नहीं है, मैं जा रहा हूँ वहीं, आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो बैठी हुई है, किस जगह पर बैठी हुई है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब वो आ जाएंगे तब बहुत ज़्यादा करीब जाना ख़तरनाक होगा। वैसे भी ये बड़ी जो शहद की मक्खियाँ होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, इसलिए जो है इन्हें उतरवा रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो कोई ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि दोबारा यहाँ पर ना आके बैठें। बैठी हुई है ऊपर, ये है शहद का छत्ता जी, ये है, इसी को उतारना है। नीचे से दिखाता हूँ आपको, ये बैठी हुई है जी शहद। ज़्यादा देर रुकना मैंने मुनासिब नहीं समझा, ख़तरनाक होती है और आप लोग भी शायद जानते हो। वो आगे हुए हैं, वो पीछे बैठे हुए हैं वहाँ पर। तो मैं जा रहा हूँ बाल्टी लेने के लिए, उसके बाद जो आपको प्रोसेस दिखाते हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि वहाँ करीब जाने देंगे कि नहीं, तो होप सो मैं वहीं जाऊँगा तो आपको दिखाते हैं कि कैसे उतारी जाती है। एक इन्होंने उतारनी है, देख रहे हैं ऊपर। क्या है? कहाँ दिए जा? तो है ना। अरे यार हमारे के खैर है दरख्त पर। आए चेक फोटो, फोटो न छिके ना। को भेजे पोट वाले को कुछ नहीं दिया ऊपर। हाँ यार कुछ नहीं दी मैं वाला ना खेती ले रहे भाजा भाजा चिकन है तो बोल मल्लान। हाँ चिकन देखने वाला तो बड़ा गेम तो भाजा देख मैं हाथ लाई खड़े बाकी को ये चिकन ही खड़ी अभी जो मैं तो आता तल्लो जो कोर तो ही यार ये देख मैं को पकड़ी बैठा बाकी को तल्ले जो कोहड़े तो यार कुछ नहीं आती देख हमारे देख हाथ लगे थे। हाँ आंधी पे हाँ मुँह काट खड़ा। हाँ इतना मारे हाथ वन होना थे जीरो वीडियो चिकन है तो बोला डिलेरी पकड़ छोटी। हाँ को गंदी चीज देख रहा बेटा ना देखो है पास करूंगा बाबा और देख भी चलाऊंगा मैं अरे ना भैया चौकी पंख ये याद है हुआ कुछ ये था कि मैं वहाँ से भाग गया था डर की वजह से। जैसे मक्खियाँ उठी थी तो उनकी आवाज़ मुझे ख़तरनाक लगी थी, मैं वहाँ से भाग गया था। तो बाद में मुझे उन्होंने बुलाया भी काफ़ी टाइम, तो जब उन्होंने शोर कराया कि कुछ नहीं कहती था मैं चला गया था। वीडियो ऐसे ही बनी है क्योंकि मैंने जो है वो लटका दिया था मोबाइल अपना वहीं पर। एक अहम इन्फॉर्मेशन ये है, मैंने उससे पूछा था कि असली शहद और जो आजकल मिक्स्ड शहद होती है यानी 2 नंबर की शहद होती है उसमें क्या फ़र्क है। पता है आपको कि शीरा वगैरह मिला देते हैं, चीनी से बना हुआ या बाकी को जो केमिकल्स हैं वो मिला देते हैं। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बात है। उसने मुझे बताया कि जो असली शहद होती है वो जैसे आप लोग जो है ऐसे करते हैं ना, मतलब अपनी उंगली पर लगाएं तो वो फ़ौरन से एक टपक के नीचे गिर जाएगी। लेकिन जो नकली होगी यानी जिसमें कोई चीज़ मिक्स होगी वो जो है वो ऐसे ही मतलब एक समझ लें कि धागे की तरह की बन जाएगी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।